इंस्टाग्राम ब्रांड्स में बहुत ब्यूटीफुल सिल्वर ज्वेलरी के एड्स देखे हैं ना, बट वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं. लेट मी टेल यू समथिंग, मीशो में यू कैन गेट ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स टू हाफ से भी कम प्राइसेस पे, एंड क्वालिटी भी अच्छी है इफ यू चेक फॉर द सेलर एंड चेक द रिव्यूज. स्पेशली द आइटम्स दैट आई एम गोना शो यू, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. कुछ तो बहुत ही डिफरेंट भी है, नॉट योर रेगुलर सिल्वर ज्वेलरी, एंड दे आर वेरी 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 गुड क्वालिटी. हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज इरा, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू अ सिल्वर ज्वेलरी हॉल. सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट फर्दर. सो लेट मी बिगिन विद वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, विच ऑब्वियसली सबको पता ही होगा अभी तक, इज झुमका. लुक एट दिस झुमका एंड सी हाउ इट्स डांसिंग. आई जस्ट लव इट, इट्स एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल. अच्छा, मैं ना एक बात बताती हूँ आपको, वाइल आई एम वेयरिंग इट, यू हैव नोटिस कि आपने भी झुमका पहना है एंड सामने वाले ने भी झुमका पहना है, बट आपका उतना ज्यादा प्रिटी नहीं लग रहा है और सामने वाले का बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, ऑलमोस्ट वेयरिंग द सेम थिंग इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम. रीजन पता ही क्या है, मैं बताती हूँ. यूजली द रीजन इज द स्टाइल ऑफ द झुमका. नाउ जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल इजंट इट. पता है क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल झुमका हैंगिंग थ्रू अ चेन. इसमें एक यहाँ पे हल्की सी डेंटी मोर की डिजाइन है जो कि मेरे ईयर लोब को डेकोरेट कर रही है. ईयर लोब, ये वाला जो पोर्शन है मेरे ईयर का, मोस्ट झुमकास क्या करते हैं ना, वो एक इस वाला जो हैंगिंग टाइप का पीछे वाला होता है वैसे हैंग करते, तो होता नहीं है यहाँ पे कुछ, नीचे आके बस एक झुमका सा होता है. बट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुली इट्स डेकोरेटिंग माई ईयर लोब. And then it doesn't become a here, like a झुमका here. It goes down, तो ये मेरे चेहरे को भी थोड़ा elongated look दे रहा है because of these pearls. तो ये यहाँ से हल्के से मेरे बालों को भी decorate करे, acting like a mini hair accessory till here. And then here it comes and becomes a whole big झुमका. तो it gives a longer length to my face. ये आपके कान को, बालों को और फेस को बहुत beautifully decorate करता है इस type का झुमका का style. So this is something that I got, और इसका price मुझे अब याद नहीं है, but I will put it here on the screen. Just look at it, how gorgeous it looks. So this is the first thing that I ordered. Next I ordered a ring. I also love that ring a lot because ye ring na काफी different hai, it's not like a regular ring, and all these came in these nice mini boxes hai na. तो आई लव दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि इसको स्टोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी ज्वेलरी को लॉन्ग लास्टिंग रखूँ और थोड़ा स्टोर करूँ अच्छे से. तो दैट्स इंपॉर्टेंट टू मी एंड इट शुड भी इम्पॉर्टेंट टू एवरीबडी, बिकॉज आप पैसे खर्च कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. तो दिस इज द रिंग, इट्स कॉल्ड द मून एंड सन रिंग. जस्ट लुक एट इट, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड द क्लिंकी, इट्स सो प्रिटी. और इसको ना बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, लाइक दिस, यू कैन वेयर इट लाइक दिस, अक्रॉस फिंगर्स, एंड ऑल्सो ऑन द सेम फिंगर ऑल्सो, जैसे जो सबसे बड़ी फिंगर है उस पर भी. तो दिस इज सो प्रिटी. एंड नेक्स्ट आई गॉट अनदर रिंग, तो दैट इज ऑल्सो वेरी अ वेरी डिफरेंट डिजाइन. सो आई वॉज लुकिंग फॉर लाइक समथिंग वेरी यूनिक एंड लुक्स रियली डिफरेंट. सो दिस इज द वन दैट आई गॉट. अच्छा, सिल्वर के साथ पर्ल्स का कॉम्बिनेशन ना ट्राई करना अगर आपने नहीं किया है तो, इट लुक्स वेरी प्रिटी. Just look at this. This is also silver and pearls, but this is more like a white silver. This is like a little oxidized, more oxidized towards black silver. So ये dark clothes के साथ बहुत अच्छा लगेगा, जो बहुत dark red साड़ीज और maroon होती हैं उनके साथ बहुत ही pretty लगेगा. So this is the rings that I've got. इनका price was around 100 or 200 से ज़्यादा कुछ नहीं था, which is why I'm saying कि यही चीज़ जब मैं Instagram brands पे देखती हूँ, which I was trying to look for. एटलीस्ट 100 से 200, 200-300 का डिफरेंस होता है. समटाइम्स सम ब्रांड्स आर लाइक रियली एक्सपेंसिव, बट लुक एट दिस, दिस इज नॉट योर रेगुलर सिल्वर ज्वेलरी की एक सिंपल सी रिंग है, उसके सामने कुछ गोल्स आए, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स लवली. एंड द प्राइस आई गॉट इट फॉर इज ब्यूटिफुल एंड द पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी गुड. तो और क्या चाहिए इफ यू गेट द सेम थिंग. सो इसका मतलब है कि द प्राइस पॉइंट इज एक्चुअली दिस, बट वी आर पेइंग लिटिल मोर जस्ट फॉर प्रोबेबली द ब्रांड. नेक्स्ट आई ऑर्डर दिस ब्यूटिफुल क्लच. अच्छा, ये भी ना मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी एंड आई डिंट वॉन्ट टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट, बिकॉज सेंस नहीं बनाता ना बहुत ज्यादा इस पे मनी स्पेंड करना. तो आई गॉट एंड आई डिंट एक्सपेक्ट, मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मुझे ये सिल्वर कफ क्लच मीशो पे मिल जाएगा, एंड आई फाउंड इट, आई एम सो हैप्पी. इसमें भी ऐसे पर्ल्स का है, मतलब ये पर्ल्स वो सिल्वर के ही हैं, सिल्वर के घुंघरू हुए एक्चुअली, और इसमें इस तरह से स्टोन्स चिपके हुए ऑल थ्रू आउट. अच्छा, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस एंड अफगन काइंड ऑफ
ट्राइबल अफगन लुक देता है ये क्लच. और ये आजकल काफी ट्रेंड में बड़े बड़े क्लचेस, लॉन्ग क्लचेस, हैंड कफ्स एक्चुअली. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आई ऑर्डर. दिस वॉज ऑल्सो अराउंड 200, नथिंग वॉज बियॉन्ड 250 और 300. सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज. इसके बाद आई हैव अ लिल बैंगल का सेट ऑल्सो, एंड दिस आई रिमेंबर आई गॉट इट फॉर 99 एंड आई वॉज सो अमेज्ड बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट ब्रांड्स एंड दे वर सेलिंग इट एट 350 एंड आई वॉज लाइक यार. फिर मुझे ये मिल गया, तो मुझे बाई चांस ये मिल गया मीशो पे ऐसे ही, तब मैंने सोचा कि यार लेट मी लुक फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. तो फिर मैंने देखा कि यार कितना डिफरेंस है प्राइस का, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू. सो दिस इज द स्क्वेयर बैंगल्स. ये ना बहुत ही थिन है, पेपर थिन है. इसकी डिजाइन से ना मुझे काजू की बर्फी की याद आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट बिकॉज प्रॉब्ली इट्स वेरी थिन एंड यू नो द शेप अगर ऐसे कर दो तो. सो दिस इज लवली. एंड ये ना आप अपनी नॉर्मल रेगुलर बैंगल्स की, और इस रिंग का, इस झुमकी का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ना. ये रिंग ना नॉर्मल रिंग की तरह नहीं है, इट्स लाइक अ मोर हॉरिजॉन्टल रिंग. और तो मैंने सारी चीज़ें ना थोड़ी सी एसिमेट्रिकल ऑर्डर करी है. इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर चूड़ा और गोल गोल बैंगल्स, इट इज लाइक अ लिटिल लंबा क्लच, नॉट योर रेगुलर झुमका. थोड़ा सा लंबा नीचे आके झुमका बनता है, तो ये थोड़ा सा अडॉर्नमेंट. ये नॉट योर रेगुलर कड़ा, अ लिटिल एसिमेट्रिकल स्क्वायर शेप्ड कड़ा, वेरी पेपर थिन, तो ये हैवी भी नहीं होता हाथ पर. अगेन नॉट योर रेगुलर रिंग, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट रिंग जो कि ना दो फिंगर्स को एक साथ डेकोरेट कर सकती है, एंड साथ में ये हल्की सी प्यारी सी चेन जाती है. एंड इट्स ऑल्सो लाइक एज आई सेड सन एंड मून, यू कैन पुट इट इन द सेम फिंगर ऑल्सो फॉर ईज ऑफ हैंड वर्क. एंड दिस वन इज लाइक अ लिटिल यू नो लैटिट्यूडनल, ऐसे लंबा सा हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड रिंग, और इसमें ना डायमंड शेप है इसका, और इसके नीचे से पर्ल्स है. ओके फाइन, लेट मी शो यू द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शो यू. ये भी ये नोज रिंग्स है, सो इट्स अ होल अपर बॉडी डेकोरेशन के लिए सारी चीजें हैं इसमें रिकमेंडेशन. दिस इज अ बंच ऑफ लाइक 10 नोज पिंस दैट आई गॉट. दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट कम्स इन दिस बॉक्स. अच्छा नोज रिंग्स ना अभी रिसेंटली OMG2 आई थी ना, उससे काफ़ी फिर से पॉपुलर हो गई. पॉपुलर तो हमेशा से ही थी, दे लुक वेरी वेरी प्रिटी, बट आई थिंक अक्षय कुमार इज ऑन देम, सो इट्स लाइक अगेन वेरी वेरी पॉपुलर, पीपल आर लुकिंग फॉर इट. एंड आई लव कि ना इसमें ये त्रिशूल वाला महादेव का नोज रिंग भी है, विच यू कैन वेयर ऑन शिवरात्रि और समथिंग लाइक दैट. और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं. अगेन इसमें ये लोटस का शेप भी है, इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट प्रिंट ऑन योर ड्रेस. देन एक बहुत ही प्यारा सा डेंटी, अच्छा ये बहुत ही आउट देयर बड़ा सा वो है सर्क्यूलर शेप का. एंड देन और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं. ये एक पीकॉक शेप है, थोड़ा डेंटी प्रिटी, थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉलर. देन इसमें ये सटल सोबर छोटा सा, अगर आपका आउटफिट काफ़ी लाउड कलर्स का है तो ये वाला बेटर लगेगा. ऐसे करके और भी बहुत सारे हैं, मोस्टली तो फिर बाकी राउंड ही हैं. ये भी काफ़ी अच्छा सा, इसका शेप ना जो आउटर टेक्सचर है काफ़ी अच्छा है. तो लेट मी शो यू, एक मैं पहन के दिखाती हूँ. वेरी इजी प्रेस ऑन नोज पिंस हैं. सी आई कैन लुक वेरी फनी बिकॉज आई एम वेरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस एंड ऑल, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू सो दैट यू नो व्हाट आई मीन. तो ये है प्रेस ऑन, वेरी इजिली प्रेस्ड ऑन, क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. वो फ्लिम्सी नहीं है कि दो तीन बार प्रेस किया तो टूट जाएगा. एंड पता है क्या, आई गॉट इट वेरी 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 रीजनेबल. मतलब मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं, बट 100 से कम थी 100%. तो मैं प्राइस तो लिंक कर दूंगी, बट यही चीज़ मैंने जब नॉर्मली बहुत सारे इंस्टाग्राम ब्रांड्स पे चेक किया तो मुझे प्राइस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था इसका, काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू वॉट आई गॉट ऑन मीशो फॉर श्योर. तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ इंस्टाग्राम ब्रांड पे जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है एंड इट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स और उसका डिज़ाइन इतना प्रिटी है तो यू कैन इन्वेस्ट. फॉर एग्जांपल आई हैव एन एग्जांपल टू शो यू. ये मैंने झुमका ऑर्डर किया था यूबे से. नाउ दिस काइंड ऑफ झुमका इज़ नॉट वेरी इजिली अवेलेबल यू नो ऑन अ लॉट ऑफ स्टोर्स, एंड क्वालिटी इशूज हो सकते हैं. और फिर ये तो अगर आपको वहाँ पे भी मिलेंगे तो एक्सपेंसिव ही मिलेंगे, लाइक एट दिस साइज एंड इट लाइक रियली डेकोरेट्स योर फेस. They're also very pretty. इसमें भी वही चीज कॉन्सेप्ट है कि it decorates your ear lobe also, and then the झुमका comes down and this hanging also comes down and decorates your entire length from your ear hair to your lower jaw, है ना. तो but something like this I might go for a brand which has something unique piece which is not available. But these are also unique pieces and they are still available on a platform with a lower price. So then definitely you should check for those things.
like your regular kada and your regular jhumka and your regular ring, I think I recommend you check on, because everybody wants to save a few bucks saved here. You can invest in another piece probably, you know. Next, I also have a long necklace. So when you order it, it's really packaging coffee decent hai. And it looks really pretty. It's design bhi coffee different hai. I am, as you can tell, a lot into ghungroos these days. So, ये भी इसमें भी थोड़े घुंघरू हैं. And घुंघरू ना काफी beautiful लगते हैं. अच्छा ये उलझ गया है अभी. तो इसको सही करने में time लग जाएगा. So this is how it looks. It's also very very pretty. ये plain उसपे कितना अच्छा लगेगा ना. This is how it looks. और अभी ये थोड़ा सा blend करा है. But like if you're wearing a very dark outfit या साड़ी प्लेन कुर्ती पे दिस लुक वेरी वेरी प्रिटी. प्राइस ऑफ इट ऑल्सो ओवर हियर. एंड दिस इज हाउ द होल पीस लुक्स. दिस इज वेरी 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 प्रिटी एंड द क्वालिटी वॉज वेरी गुड. वेरी डिफरेंट और थोड़ा सा चेन में भी थ्रू आउट डेकोरेशन. ऐसा नहीं कि नीचे पूरी चेन है सिंपल और यहाँ पे पेंडेंट हैंग कर रहा है तो चेन ही चेन दिख रही है. चेन में भी हल्के हल्के घुंघरूज है ना, तो पूरा नेकलाइन को डेकोरेट करते हुए ये नीचे पेंडिंग जा रहा है और पेंडिंग के नीचे जाकर आपकी वेस्ट लाइन को भी डेकोरेट करा है बिकॉज ऑफ these little gungroos here. That's it for this video, and let me know if you like it, any of your accessories, which is your favorite accessory. Until the next time, bye bye, take care.